रेसिपी तो मैंने आपको कई सारी दी है, लेकिन आज कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कि घर बैठे ढाबे या रेस्टोरेंट की फीलिंग आए। तो चलिए चलते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। यकीन मानिए, इस वक्त काफ़ी वक्त हो गया है, काफ़ी वक्त हो गया है हम लोग अंदर घर में कैद से हो गए। बिल्कुल घर में बना बना के खाते हैं, कुछ भी नहीं, कोई अच्छा इंजॉयमेंट है ही नहीं। सब लोग सहमे हुए से घर में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी कभी एटलीस्ट चेंज के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। सब लोग मिलकर बैठकर साथ में खाना खाएं, जहां आपको पसंद हो, डाइनिंग टेबल पे पसंद हो तो वहां पूरा अरेंज कर लीजिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। चेंज के लिए अगर आप पलंग पर खाते हो तो भी चलेगा, आप चटाई पर भी बैठकर खा सकते हैं, लेकिन मज़ा लीजिए ऐसा कि बस सब लोग खाना बनाकर एक साथ बैठना है, बिल्कुल हमें उठना ही नहीं है जैसे रेस्टोरेंट में हम जाते हैं। दूसरा, आप तैयार होकर भी बैठे। हमेशा तो हम दूसरों के लिए तैयार होते हैं, बाहर जाने के लिए लोग हमें देखते हैं, आज हम घर में ही दिखाने के लिए तैयार होंगे। कभी कभी आप सोच नहीं रहे होंगे, अलमेरा जब हमने खोली नहीं है, इतने टाइम से हम रेडी नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, वो कपड़े भी बेचारे सोच रहे होंगे कि ये मैडम गई कहाँ। जेंट्स लोग तो फिर भी कभी कभी बाहर चले जाते हैं, हम लोग तो बिल्कुल कैद होकर रह गए। तो लीजिए, आज मैं आपको पहली ट्रिक देती हूँ, सबसे पहले साथ में खाइए, तैयार हो जाइए। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि हफ्ते में 10 दिन में कोई ऐसा दिन चुनिए जिस दिन सब साथ में बैठकर खाएं, और दूसरा सब लोग रेडी होकर खाएं। रेस्टोरेंट या ढाबे वाला फीलिंग आए उसके लिए डाइनिंग को भी बहुत अच्छे से वैसा ही तैयार कर दीजिए। दूसरी बात, आप कहीं भी खाएं चलेगा, लेकिन डाइनिंग को कैसे तैयार किया जाता है ये मैंने माँ ये कैसे करूं, हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ मैंने पूरे ट्रिक्स आपको दिए हैं। जब कभी समय मिले उसे ज़रूर देखिए। पहले तो उन चीज़ों का मजा लेते हैं जो हमें फ्री में मिलती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जब हम बैठते हैं ढाबे में या रेस्टोरेंट में, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ें आती हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। ये तैयारी आप पहले ही करके रख सकते हैं। जैसे ढाबे की या रेस्टोरेंट की चटनी का कलर बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो लोग दही से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फटाफट देख लेते हैं। यहाँ मैंने फटाफट से देखो, धनिया लिया है, पुदीना लिया है, हरी मिर्च लिया है, अदरक लिया है और नमक लिया है, जीरा लिया है। बस आप इसमें दही डालना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी चटनी बनेगी। इसी तरीके से हरी चटनी के साथ सर्व कर दीजिए टमेटो केचप भी, तभी तो दोनों अच्छी लगेंगी साथ में खाने में। अब आपने क्या स्नैक्स बनाए ये तो मुझे पता नहीं, मसाला किचन में ढेरों स्नैक्स हैं, आपको जो इजी लगे साथ में बना भी सकते हैं। तो चलिए, चटनियों को देखकर मजा आया ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अब चलते हैं जो रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा हमें अच्छे लगते हैं, सिरके वाले प्याज। सिरके वाले प्याज कैसे बनाए जाते हैं, माँ ये कैसे करूँ, हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर मैं दे रही हूँ, आप उसमें ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताए हैं कि रेस्टोरेंट में कैसे बनाए जाते हैं सिरके वाले प्याज। तो इसे भी हम सर्व कर लेते हैं, साथ में मैंने हरी मिर्ची भी डाली है, उसे भी रखना ना भूलें। ये देखिए, इसे बनाकर आप रख भी सकते हैं। अब ये छोटी छोटी तैयारियाँ जरूर नहीं है सारी घर की लेडीज़ ही करें, हम घर के जेंट्स लोग भी बना सकते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें, हेल्प भी कर सकते हैं, तभी तो साथ में मज़ा ले सकते हैं। अब चलते हैं चटनियाँ बनाने। पहली चटनी मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग सी चटनी है, इसको बोलते हैं छुंदा, कैरी का छुंदा, वो भी इंस्टेंट फटाफट बनने वाला। ये देखिए, मैंने एक प्याज को ग्रेट कर लिया है, एक कैरी को ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा गुड़ है जिसे मैंने कूट लिया है, एक बाउल में मैं फटाफट से ये प्याज ले रही हूँ, ये देखिए, अब इसी में मैं डाल रही हूँ कैरी। कैरी मतलब कच्चा आम, इस समय सीजनल है तो हमें बनानी चाहिए। इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें डाल रही हूँ ढेर सारा गुड़। इसको मिलाइए और इसका एंजॉय कीजिए। हम घर में अक्सर इतनी अचार वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर वेट करते हैं ना खाना आने का, उससे पहले हमारा मन ललचाता है, हमें अचारों में ही बड़ा मज़ा आता है। ये बात सच है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लीजिए, इंस्टेंट अचार तैयार हो गया है, आप मन चाहे और पसंद है थोड़ा और गुड़ डाल दीजिए, बस इसे सर्व कीजिए। इसे खाकर देखिए, मुझे ज़रूर बताइए। ये 4-6 दिन ये अचारें छोटी छोटी चल जाती हैं, इन्हें छोटे जार में बनाकर रख दिया कीजिए फ्रिज में, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। ये एक्चुअल छुंदा राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है,
हर रेस्टोरेंट में आपको ये छुंदा तो जरूर मिलेगा। तो इस टेस्टी से छुंदे का आप टेस्ट जरूर कीजिए। अब चलते हैं स्पाइसी सी अचार, वो भी इंस्टेंट। दो कैरी को मैंने छिलके समेत छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है। एक बोल में डाल रही हूँ। एक चम्मच ले रही हूँ मैं मेथी दाना क्रश किया हुआ, सिका हुआ है और क्रश किया हुआ है। एक चम्मच पीली राई है, राई दाल जिसको बोलते हैं, ये भी क्रश की हुई है। इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कलौंजी, जिसे अनियन सीड्स भी कहते हैं, मैंगरोली सीड्स भी कहते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ ढेर सारा लाल मिर्च, क्योंकि ये मैं स्पाइसी बना रही हूँ। स्वाद अनुसार डाल रही हूँ इसमें नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून हींग पाउडर। एक चम्मच डाल रही हूँ पिसी चीनी, छोटा एक चम्मच है, मतलब आधा चम्मच समझ लीजिए। अब इसमें एक टेबल स्पून सरसों का तेल गरम करके थोड़ा ठंडा करके इसमें डाल रही हूँ। लीजिए, तैयार हो गया इंस्टेंट अचार। होटलों में इस तरीके से रोज के रोज अचारें बनती हैं और ख़त्म होती हैं, फिर रोज नई बनती हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। लीजिए, मैं इसे सर्व कर रही हूँ और ये 4-6 दिन 8 दिन आपकी आराम से ये अचार चल जाएगी। लाल लाल रंग की बढ़िया सी अचार देखकर मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं। अब चलते हैं हम बनाने महाराष्ट्र का ठेचा। ठेचा समझते हैं, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा पसंद करते हैं और इसके बिना खाना ही नहीं सर्व किया जाता है। ठेचा मतलब काफ़ी सारी गार्लिक, काफ़ी सारा मिर्च, और इस समय अगर कैरी है तो वो भी डालना ना भूलें। आप कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हो, कोई भी चीज़ और ऐड भी कर सकते हो। अब इसे कूटते हैं ये लोग खलबत्ते में, क्योंकि खलबत्ते में ही ये स्वादिष्ट बनता है। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा, स्वाद अनुसार डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। मिर्च बहुत सारी हैं इसलिए नमक भी ज़्यादा डाल रही हूँ मैं। एक्चुअल तो इसमें खटाई ये लोग डालते ही नहीं है, पर मुझे पर्सनली थोड़ा ये खट्टा पसंद है, तो मैं थोड़ा नींबू का रस भी डाल रही हूँ। अब इसे कूट रही हूँ इसमें। अगर आप मिक्सी में भी बनाएंगे पल्स पे तो बन जाएगी, पर एक्चुअल ये लोग खलबत्ते में बनाते हैं। तो बस थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ और इसे कूट लेती हूँ। इस ठेचे के बिना इनके खाने की थाली बिल्कुल अधूरी होती है। कई जगह तो मैंने देखा है आम के मुरब्बे भी मिलते हैं। मुंबई में एक जगह मैंने खाया था, कई टाइप की कॉम्प्लीमेंट्री अचारें थी, उन्हें देखकर ही मन भर गया था, बहुत ही अच्छी। तो ये देखिए, ये भी हमारा तैयार हो गया, इसे भी हम सर्व कर लेते हैं। तो आपको ये नहीं कि सारे बनाने, कभी जो अच्छा लगे कभी ये बनाइए कभी वो बनाइए। आप अपने हिसाब से क्या तैयारी करेंगे ये भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। लीजिए, ये भी तैयार हो गया, इसे भी साइड कर देते हैं। चलिए चलते हैं, अब सैलेड तैयार करते हैं। मैं अनियन सैलेड कर रही हूँ तैयार, जिसे लच्छा, अनियन लच्छा सैलेड कहते हैं। मैंने 3 प्याज को बर्फ के पानी में छील के रख दिया है। इसे हम गोल गोल रिंग्स में काट लेते हैं। ये क्रिस्पी सा सैलेड बहुत ही अच्छा लगता है। आप ग्रीन सैलेड भी बना सकते हैं अगर आप प्याज नहीं खाते तो। अब इन प्याज की रिंग्स निकाल निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे इस प्याज में काफ़ी अच्छा क्रंच सा बना रहे। सबकी रिंग्स निकाल कर मैं पानी में डाल देती हूँ। थोड़ी देर रखने के बाद इसको पानी से मैं निकाल रही हूँ। प्याज काफ़ी अच्छे ठंडे और अच्छे कड़क से हो गए हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें डालेंगे ढेर सारा नींबू का रस। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जो कि काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर तो देती हैं लेकिन ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इन सब को करेंगे मिक्स। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि मैंने नींबू डाला है तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी सर्व कर लेते हैं। लीजिए, मुँह में पानी आ रहा है ना, इस प्याज के लच्छों के लिए बहुत ही बढ़िया सुंदर सा सैलेड बनकर तैयार हो गया। इसे भी रखते हैं हम एक तरफ। अब कुछ टिडबिट्स हो जाए, हम बनाते हैं पापड़ कोन। फटाफट से इन पापड़ को तवे पर सेक लीजिए। पापड़ को जैसे ही आप तवे पर सेकेंगे, फटाफट से एक पेपर नैपकिन पर या टॉवल पर उसे फटाफट से कोन बना लीजिए, वरना ठंडा होने के बाद वो कोन नहीं बनेगा।
तो देखा कितने बढ़िया से कोन बन गए। आप बना पाए तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली पापड़ सेक कर उस पर भी पापड़ मसाला बनाया जा सकता है। तो अब इसकी फिलिंग बना रहे हैं हम फटाफट से। एक बोल में मैंने बहुत बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, जिसका पानी भी मैंने निचोड़ के अलग कर दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी कच्चा आम है, टमाटर है सीडलेस जिसे मैंने कट कर दिया है, और थोड़ा खीरा लिया है। आप स्प्राउट डाल सकते हैं, कोई उबले हुए चने, राजमा, छोले वो भी डाल सकते हैं, जो भी हमारे घर में रखे हुए होते हैं। मैं इसमें स्वाद अनुसार डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच नींबू का रस। इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी मेरे पास हैं कुछ पीनट्स, मैं वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा बारीक सेव, मैं वो भी डाल रही हूँ। हमारे यहाँ ये बहुत पसंद करते हैं, जब कभी छोटी मोटी भूख हो तो हम ये ज़रूर बनाते हैं। अब इन सबको, इस सब फिलिंग को आप कोन्स में भरते जाइए। बस ये तभी भरिए जब आप खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो, नहीं तो पापड़ कोन गीले हो जाते हैं। फटाफट से सारे कोन भर लेते हैं, ऊपर से गार्निश कर देते हैं जो बचे हुए टमाटर प्याज हैं, और हम थोड़े नमकीन को सर्व कर देते हैं, ऊपर से रख देते हैं। एक नींबू रख दीजिए, लग रहा है ना बड़ा सुंदर सा। इसके साथ आप कोई भी ड्रिंक सर्व कर सकते हैं जो आपके मन पसंद हो। यहाँ पर मैं एक ड्रिंक रख रही हूँ, आपको जो पसंद हो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बहुत सारे मसाला किचन में ड्रिंक्स हैं। अब चलते हैं उन चीजों को बनाने जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। अब बारी आती है हमारी मेन कोर्स की। मेन कोर्स में अभी तक आपने सोच लिया होगा आपको खाना क्या है। वैसे मैं आपसे ये कहूँ, घर में हम ऐसी चीज सर्व करें जो हमें बार बार उठना ना पड़े। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी बिरयानी और रायता। बिरयानी गर्मा गर्म पहले से तैयार पड़ी हो और साथ में फ्रिज में ठंडा सा रायता बना हुआ हो, बस किसी को उठने की जरूरत ही नहीं है। सीधी की सीधी डिश लाकर बैठ जाइए साथ में। या फिर गर्मा गर्म दाल पहले तैयार कर लीजिए और फिर कोई एक जना उठकर तंदूरी गर्मा गर्म रोटी बना ले, तो बस ढाबे जैसा मजा ही आ जाएगा। इन सब की पिक्चर्स में मसाला किचन की आपको दिखा रही हूँ। कैसी लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है ना। प्लानिंग क्या हो रही है आपकी, कैसी हो रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हमारा मेन कोर्स भी हो गया, चलिए चलते हैं अब कुछ मीठा सर्व करने के लिए। डिजर्ट में हम क्या करें सोचना पड़ेगा। फ्रिज में क्या रखा हुआ है, कोई मिठाई रखी हुई है, या कोई गुलाब जामुन रखे हैं, या कोई केक रखे हैं, तो उन्हें हम सर्व कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, कुछ भी नहीं है ना, तो हम आम को ही कट कर लेते हैं, चॉप कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, इसे टूथपिक लगाकर हम सर्व करेंगे, है ना मजेदार सी बात। घर में कोई और भी फ्रूट हो उसे भी सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट पॉइंट, इसे बिल्कुल न भूलें, कोई भी मुखवास, सुपारी या इलायची या सौंफ, जो भी आप पसंद करते हो वो लास्ट में जरूर रख के बैठिए। टूथपिक रखिए, तो बस पेपर नैपकिन रखना बिल्कुल न भूलिए। अब आया ना मज़ा आपको, कैसा लगा मेरा ये आइडिया आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।